नमस्कार, आप देख रहे हैं मी मीडिया न्यूज। मैं हूं नुपुर सिंह और वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने विपक्ष पर हमला किया। उत्तर प्रदेश के रामपुर में पहुंचे और बोले 2024 के चुनावी मैदान में चारों खाने चित होगा विपक्ष। उन्होंने महाराष्ट्र के सियासी संग्राम पर कहा, मोदी को ना अकेले हराया जा सकता है और ना ही इकट्ठे। देश में महाराष्ट्र के बाद बिहार में भी सियासी हलचल और बयानबाजी तेज हो गई है, जहां भाजपा नेता और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और जदयू पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जदयू के साथ ही राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी निशाना साधा। सुप्रीम कोर्ट ने RRTS परियोजना के निर्माण के लिए राशि देने में असमर्थता व्यक्त करने के लिए दिल्ली सरकार को लगाई फटकार। साथ ही 3 वित्तीय वर्ष में विज्ञापनों पर खर्च की गई राशि का मांगा हिसाब। न्यायमूर्ति SK कौल और न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया ने आप सरकार को 2 हफ्ते के अंदर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। पंजाब में सुनील जाखड़ हो सकते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है भाजपा। जाखड़ प्रदेश में हिंदू और जाट समुदाय का संयुक्त चेहरा है। शिरोमणि अकाली दल से गठबंधन टूटने के बाद भाजपा लगातार ऐसे चेहरे की तलाश में जुटी हुई थी जो शहर और गांव में संयुक्त रूप से प्रभाव रखते हो। दोस्तों, आगे खबर पर चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है और उस पर कमेंट नहीं किया है तो जरूर कर दे, क्योंकि आपका लाइक और कमेंट हमें खूब खुशी देता है। बलूचिस्तान के होशाब में गोलीबारी में सेना के 2 जवानों की मौत, 1 सिपाही घायल। NCP में हुए महाटूट के बाद एक्शन मोड में दिखे शरद पवार। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए बागी हुए अजीत पवार पर अब शरद पवार एक्शन लेने के मोड में आ गए हैं। NCP ने बागी अजीत पवार और 8 अन्य विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को पत्र भेजा है। कल PM नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन SCO की शिखर बैठक की मेजबानी करेंगे, जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ हिस्सा लेंगे। इस बैठक में क्षेत्रीय सुरक्षा की स्थिति और कारोबार एवं संपर्क बढ़ाने के उपायों पर चर्चा होने की उम्मीद है। OP राजभर ने कहा कि महाराष्ट्र ही नहीं UP में भी बड़ी हेरफेर होने वाली है। सपा के कई विधायक और सांसद दल छोड़कर कुछ सरकार के विस्तार में शामिल होना चाहते हैं। ओम प्रकाश ने मायावती को बताया गेम चेंजर, कहा हम BSP से गठबंधन के लिए तैयार हैं। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग पर इसरो चेयरमैन का आया बड़ा बयान, कहा हम चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में होंगे सक्षम। ED के सामने पेश हुए उद्योगपति अनिल अंबानी, FEMA कानून के उल्लंघन मामले में हुई पूछताछ। अब विधायक सोमनाथ भाटी को सुप्रीम कोर्ट से राहत। UP के अस्पताल पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मामले पर लगाई रोक। देश में समान नागरिक संहिता को लेकर कानून मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति की अहम बैठक हुई, जहां भाजपा के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कार्मिक, सार्वजनिक शिकायत, कानून और न्याय पर विचार विमर्श किया गया। और इस सर्वे ऑफ इंडिया के इंडेक्स के मुताबिक हिमाचल के हमीरपुर में हरियाली का क्षेत्र बढ़ा है, वहीं वन में आग लगने की घटनाएं भी कम हुई हैं। इस साल 157 हेक्टेयर क्षेत्र में 65,000 के करीब पौधे वन विभाग के द्वारा लगाए जाएंगे। अमरनाथ में बाबा बर्फानी के दर्शन हेतु तीर्थयात्रियों का 4th जत्था हुआ रवाना। अब तक 20,000 से अधिक तीर्थयात्रियों ने गुफा मंदिर में किए दर्शन। हाल में 8 जुलाई को होने वाले पंचायत चुनाव से पहले विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है, जहां उत्तर 24 परगना जिले के हारोवा इलाके में खेत में बम बांधते समय अचानक विस्फोट होने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी के साथ पंचायत चुनाव की घोषणा के बाद से बीते 24 दिनों में अब तक 14 लोगों की जान जा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 8 जुलाई को बीकानेर में बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां वो 25,000 करोड़ से ज्यादा की संरचनाएं और प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। सेंट्रल बैंक में मैनेजर स्केल 2 के 1,000 रिक्त पदों पर निकली भर्ती। उम्मीदवार 15 जुलाई 2023 तक ऑफिशियल वेबसाइट centralbankofindia.co.in पर कर सकते हैं आवेदन। युवा महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप में हरियाणा बना चैंपियन। हरियाणा ने अंतिम दिन दिखाया शानदार प्रदर्शन, जहां उनके सभी 8 फाइनलिस्टों ने जीता स्वर्ण पदक। 8 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक के साथ हरियाणा बन रहा है शीर्ष पर। दोस्तों, हमारी टीम ने आपके लिए एक ऐप लॉन्च किया है।
इस ऐप पर आप न्यूज देखने के साथ अपने आसपास की न्यूज भी अपलोड कर सकते हैं और रोजाना अपने आसपास की चार लाइनें कुछ भी लिखकर एक फोटो भेजने वाले को 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर एक बड़ा गिफ्ट दिया जाएगा। यह गिफ्ट सभी कमेंट करने वाले और फोटो भेजने वालों को दिया जाएगा। इसके लिए आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप के लिंक पर क्लिक करके या गूगल प्ले स्टोर से MI मीडिया ऐप को डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है और जैसे और सोशल मीडिया ऐप पर फोटो न्यूज अपलोड करते हैं वैसे ही पोस्ट करना है। बस शुरू हो जाइए और अपना गिफ्ट लेने के लिए तैयार हो जाइए। इतना ही नहीं, यह गिफ्ट आपको हर महीने मिल सकता है। अधिक जानकारी इस ऐप पर दी गई है, इसलिए अभी डाउनलोड कीजिए। थैंक्स, टेक केयर। देहरादून के DAV कॉलेज प्रबंधन ने हाईकोर्ट में 10 अशासकीय महाविद्यालय को असंबद्ध करने के फैसले को दी थी चुनौती, जिस पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय के 30 मई को कार्य परिषद में लिए गए निर्णय पर लगाया स्टे। झारखंड के देवघर में सावन के महीने में लगने वाली श्रावणी मेले का आगाज हो चुका है, जहां कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने इसका उद्घाटन किया। सरकार ने घोषणा की है कि 2 महीने तक चलने वाले इस मेले में सबसे बड़ा VVIP कांवरिया है, जिनको सुलभ और सुरक्षित दर्शन कराना ही लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ प्रदेश साहू संघ के द्वारा आयोजित अर्जुन सदन के लोकार्पण समारोह में हुए शामिल। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि इस समाज का छत्तीसगढ़ के निर्माण और प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 2024 लोकसभा और कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच संगठन स्तर पर भाजपा कर सकती है बड़े बदलाव। सूत्रों के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा मध्य प्रदेश, झारखंड, पंजाब, तेलंगाना और केरल में नए प्रदेश अध्यक्ष की कर सकते हैं घोषणा। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। ऐसे ही खबरों में बने रहने के लिए मी मीडिया न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब बटन के साथ लगे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आप और आपके जानने वाले रह सके देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट।